हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। दो दिनों से व्लॉग डालूं लेकिन डाल नहीं पा रही हूँ क्योंकि वाईफाई का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है। पता नहीं क्या हो गया था, तो बंद पड़ा है दो दिन से। और यहाँ पे अभी बारिश, मॉनसून स्टार्ट हो चुका है, तो कपड़े यहाँ डाल रही हूँ मैं अंदर रूम में। मतलब अब ये स्टैंड अंदर आ गया, नहीं तो ये बालकनी में रखा था। और स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं बच्चों के, मैं शूट नहीं कर पाई फर्स्ट डे बिकॉज़ किसी ना किसी काम की वजह से, बट इन लोगों का स्कूल स्टार्ट हो गया है तो अब मेरी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गई है। रोज़ सुबह 5:30 बजे उठती हूँ और बच्चों का लंच बॉक्स का डब्बा तैयार करती हूँ, और विवेक भी उठते हैं मेरी हेल्प करने के लिए क्योंकि पीछे जैसा भी लाइक जो भी मेरी तबीयत वगैरह हुई थी उस वजह से वो अब साथ में उठते हैं। पहले इतना नहीं उठते थे लेकिन अब तो साथ में उठने लगे हैं, साथ में मदद करने लगे हैं। तो यही है बस, अभी रात का वक्त हो रहा है जब मैंने मशीन लगाई और कपड़े वॉश किए हैं, और आजकल 2 बार लगानी ही पड़ती है। इनकी जो यूनिफॉर्म वगैरह है वो मैं धो डालती हूँ शाम के टाइम। एंड आप बताइए आपके यहाँ पे मानसून के क्या हाल चाल हैं? यहाँ तो बारिश शुरू हो चुकी है तो अभी सारे कपड़े अंदर डाल के मुझे पंखा चलाना पड़ता है क्योंकि मॉइस्चर है हवा में, तो सूखना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कपड़ों का, तो यहीं पे करना पड़ता है। हमारा डिनर वगैरह सब कुछ हो चुका है, मैंने सोचा शाम से ही व्लॉग शुरू कर देती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। दिन भर कुछ शूटिंग नहीं हुई थी तो अभी स्टार्ट किया। और हाँ, परसों के व्लॉग का मतलब जो लास्ट व्लॉग था उससे एक व्लॉग पहले वाला जो व्लॉग था उसका आधा पोर्शन मैंने बोला था नए चैनल पे डालूंगी मैं, तो हाँ मैं डालूंगी उसका आधा पोर्शन नए चैनल पे एज अ व्लॉग। सो वो मैं आज अपलोड कर चुकी होंगी या कल सुबह सुबह तो हो ही जाएगा। तो नए चैनल पे भी अब मैं एक्टिव होने वाली हूँ, आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना, वहाँ पर मेरे ब्यूटी रेमेडीज़ आएंगे, विवेक के व्लॉग्स आएंगे, विवेक व्लॉग शूट करने वाले हैं, उनको भी मैंने फिर से रेडी किया है। देखो रेगुलर वर्क करो, आपको खुद को भी अच्छा लगेगा, बिजी भी रहोगे और 2 पैसे भी खुद के लिए कमाओगे तो को ज़्यादा सुकून मिलेगा। तो नए वाले चैनल पे वो भी एक्टिव होने वाले हैं और मैं भी वहाँ पे अपने ब्यूटी रेमेडीज़ वगैरह डालने वाली हूँ। यहाँ पे मैंगो लेके विवेक बैठे हुए थे, बाहर बहुत ठंडी हवा है, आज झिमझिम बारिश थोड़ी थोड़ी बाहर चल रही है दोपहर बाद से शुरू हुई, उससे पहले तक धूप थी। सो हैप्पी मानसून टू ऑल ऑफ़ यू। ये मानसून का जो सीज़न है पूरे साल में इसका इंतज़ार करती हूँ। और आज मैं आपके साथ अगेन एक चीज़ शेयर करने जा रही हूँ जो कि मेरी बेटी से ही रिलेटेड है कुछ, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जब से मैंने आपको उसके स्कूल की बात बताई थी ना, एक मन में एक ट्रस्ट आ गया आप लोगों के प्रति कि जो आप लोग मतलब इतने सारे लोग मिलके जो मुझे डिसीज़न देते हैं या सजेशन देते हैं वो रॉन्ग नहीं हो सकता है। क्योंकि जब मैंने उसके स्कूल का प्रॉब्लम शेयर किया था तो आप लोगों के मतलब जो मल्टीपल मैसेजेस जो थे वो एक जैसे ही थे, मतलब बहुत ही सही मैसेजेस थे सभी के कमेंट्स, सब ने उसको उसकी हिम्मत बढ़ाई थी और जो भी प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन भी दिया था कि आपने ऐसा करना चाहिए या आपने ध्यान नहीं देना चाहिए। तो आपके सजेशंस कहीं ना कहीं आपके कमेंट्स बहुत मैटर करते हैं हमारे लिए, हम लोग दोनों रोज़ पढ़ते हैं मैं और प्रिशा। और इस बार भी मैं आज आपके साथ एक प्रॉब्लम शेयर करने जा रही हूँ क्योंकि अब देखिए वो बड़ी हो गई है, ठीक है ना, शी इज़ अ यंग गर्ल नाउ, मतलब जवान हो गई है वो, 18 साल की हो जाएगी, एडल्ट हो जाएगी अभी नेक्स्ट ईयर मार्च में। तो उसके साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं उसकी माँ हूँ, ऑब्वियसली वो मुझे बताएगी, और अगर मेरे पास फ्रेंड्स के तौर पर या मेरी फैमिली के तौर पे आप लोगों तो मैं ज़रूर आपसे पूछूंगी। और मुझे पता है, मुझे ट्रस्ट है आप लोगों पे कि आप मुझे सही सलाह दोगे, गलत सलाह नहीं दोगे। आप इतने सारे लोग हो तो इतने सारे लोगों की जो इतनी सारी एक जैसी सलाह आती है वो गलत कैसे हो सकती हैं, है ना। सो आज भी मैं आपको कुछ जज करके पूछने वाली हूँ, मतलब आपको जज करना है और मुझे बताना है कहाँ हम गलत हैं या क्या हमारे से कुछ गलती हुई है। हमारा बस सोने का टाइम होने जा रहा है, ये बजे हुए हैं 10:11, 22:11 लिखा हुआ है इसके ऊपर, और मैंने सबके मतलब बिस्तर वगैरह अभी ये वाला सेट किया है, अभी मुझे यहाँ पे भी बिस्तर सेट करने हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन जो है वो कई बार आ चुका है कि आप लोग एक ही रूम में सोते हो क्या, तो मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूँगी बस कि देखिए ये सबकी ना अपनी पर्सनल विश होती है, एटलीस्ट ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करिए जिसका रिप्लाई देना बड़ा मुश्किल हो जाए हमारे लिए। बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि ये हर एक पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कौन कहाँ सोना चाहता है, और हमें हमारे बच्चों के बिना एक दिन भी नहीं चलता, और हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि हमारी कोई प्राइवेसी जो है वो ख़राब हो रही है उन लोगों की वजह से। बाल कैसे निकल रहे हैं मेरे, अभी मैंने मशीन लगाई थी, कपड़े धुल गए हैं, और सुबह में इन दोनों की योगा क्लास है तो वो कुछ योगा की इनको चाहिए थी जो भी पहनना है ना योगा के टाइम पे। मेरी तबीयत अब काफ़ी अच्छी है, आई एम फीलिंग मच मच बेटर डे बाय डे, आई एम फीलिंग मोर बेटर। और जब मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ तो ऐसे भी मैं आधे से ज़्यादा ठीक हो जाती हूँ।
मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना, और व्लॉगिंग इज़ नाउ माय लाइक एक ऐसा लाइफ का पार्ट बन चुका है जिसे मैं कभी नहीं छोड़ सकती, चाहे मैं बिल्कुल बुढ़ी हो जाऊँ लेकिन मुझसे व्लॉगिंग नहीं छोड़ी जाएगी। तो बस यही है, और बाकी तो क्या रहा पूरा दिन, बस यही रहा जैसे कि एक नॉर्मल रूटीन रहता है घर का, पूरा दिन काम 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 काम, इसके सिवाय कुछ हम लोगों को सोचता नहीं है। हेयर कलर करने की बहुत जल्दी जल्दी ज़रूरत पड़ने लगी है, अब भाई एज हो रही है ऑब्वियसली, एज जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं हम उससे भी बड़े होते चले जा रहे हैं। यार मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जैसे कि हमारी जब एज बढ़ती है ना तो बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जो बहुत इनसिक्योर हो जाती हैं, इनसिक्योर इन द सेंस कि मतलब उनको ऐसे फील होता है लाइफ जैसे फिनिश होने लगी है, मतलब एजिंग प्रोसेस को पता नहीं क्यों ऐसे देखा जाता है, पता नहीं क्यों इंडियन मेंटालिटी कुछ इस तरह की है, जबकि दूसरे कंट्रीज में मैंने देखा इतना ये नहीं है, बट हमारे इंडिया में कुछ ऐसे एजिंग प्रोसेस को माना जाता है कि बहुत बुरी चीज़ है। अरे यार कैसे बुरी चीज़ है, मतलब हर किसी ने इस प्रोसेस में से जाना है, जो आज बच्चे हैं जैसे प्रिशा और रवि, कल को वो भी हमारे एज में आएंगे, कल को हम हमारे मम्मी की एज में पहुँचेंगे तो वो हमारी एज में पहुँचेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी बुरी बात या गलत बात है, ये तो एक ज़िंदगी का रूल है कि जो पैदा हुआ है उसने बचपन जीना है, फिर जवानी जीनी है, फिर बूढ़ा होना है और उसके बाद मर जाना है। सो ये तो बड़े ही कड़वे सच हैं दुनिया के, तो इसमें इतना इनसिक्योर, मतलब इनसिक्योर इन द सेंस कुछ लेडीज़ हैं ऐसे सोचती हैं बस लाइक जैसे अब कुछ नहीं बचा, मतलब अब हमें कुछ भी मन कर रहा है तो नहीं पहनना है, या कुछ भी मन कर रहा है वो काम नहीं करना है, घूमना नहीं है, उम्र हो गई, बच्चे बड़े हो गए। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता गाइस, हर एक को अपनी ज़िंदगी फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल एंड जीने का पूरा अधिकार है, और उसे उसी जज्बे के साथ जीना चाहिए, और हर एक एज, हर एक लेवल ऑफ एज जो है उसको इन्जॉय करना चाहिए, मतलब कि जब हम बचपन है तो बचपन इन्जॉय किया, जब हम जवान हैं बहुत ज़्यादा यंग हैं तब उसको इन्जॉय किया, जब हमारी नई नई शादी हुई उस स्टेज को इन्जॉय किया, जब बच्चे पैदा हुए तो वो पता है छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से होते हैं उनका बचपन इन्जॉय किया, मदरहुड को इन्जॉय किया, और ये भी एक एज है, ये भी एक टाइम है जब हम मिड एज में हैं, जब हमारे बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, वी आर वॉरियर्स, यू नो टेक इट एज वी आर वॉरियर्स के मतलब हमने ज़िंदगी में काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया है, और जो हमारे बाल वाइट हो रहे हैं वो एक्सपीरियंस से वाइट हो रहे हैं, तो क्यों ना इसको भी हम पॉजिटिव लें। बस यही कहना चाहूँगी मैं रात को आपके साथ जो है प्रवचन देने बैठ गई लेकिन देखो मैंना मेरा कैसा है, मेरे लाइफ में जो चीज़ें मैं एक्सपीरियंस करती हूँ और जिन चीज़ों के लिए मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ें किसी के लिए भी अच्छी हो सकती हैं तो वो मैं शेयर करती हूँ, मतलब अपनी लाइफ की चीज़ें जो मैं खुद अपने ऊपर एप्लीकेबल करती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने बहुत टाइम के बाद ये वाली कुर्ती पहनी, एक फ्रॉक कुर्ती है पूरी की पूरी, और ये यहाँ खड़ी हुई डांस कर रही है। तू मम्मी कैमरा पे नहीं दिखा सकती? दिखा दूंगी हाँ दिखा दूंगी मैं, तो ऐसे मत सोच। नहीं नहीं आ गई है यहाँ पे, आज मेरे मम्मी दोनों के चेहरे पे 12 बजे, मेरे तो सच्ची 12 बजे, मेरे तो नहीं बजे, तुम्हारे बज रहे होंगे, मेरे नहीं बजते 12। मेरी कल मैच टेस्ट है जिसपे मैं फिर से बहुत अच्छा करने वाली हूँ, और यू नो गाइस आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं बहुत अच्छा करी स्टडीज में। और आज ना मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी, मैंने ना अभी से एक डिसीजन लिया है, मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन मैंने आज लिया है, वो मैंने ये लिया है, तुझे भी नहीं बताया मैंने, अभी अभी लिया है रीसेंट ताज़ा खबर है, बताओ मैंने ये डिसीजन लिया है कि मेरे लाइफ में जो जो लो बैटरी जो जो मेरे लाइफ में जैसे जैसे होता रहेगा, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, चाहे उसमें किसी की बेइज्जती हो रही है या नहीं हो रही है, कैमरा मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मेरे पास है ना लाइफ में चीज़ें शेयर करने के लिए अब ज़्यादा लोग हैं नहीं, मतलब मेरी बेटी है, मेरा पति है, अवि है, और इसके अलावा कोई नहीं है जिसके साथ हम अपनी ज़िंदगी की बातें शेयर कर सकें। तो अभी पीछे मैं कुछ दिनों से ना थोड़ी सी डिप्रेशन में थी, जिसके चलते कुछ स्ट्रेस था, मैं बीमार भी हो गई थी, काफ़ी बीमार रही हूँ ना, इससे ना एक और चीज़ होती है, मम्मी आप लोग से शेयर नहीं करती ना तो मम्मी खुद पे लेती रहती, लाइक आप लोग के कमेंट्स इतने गंदे होते हैं कि मम्मी खुद पे लेती है, नहीं मैं ही ऐसी होंगी, तो ना ऐसा मम्मी को नहीं दिखाना खुद को, क्योंकि आप लोगों को तो ये लगेगा नहीं ऐसी है, मैं ऐसी नहीं हूँ। तो मैंने अभी एक चीज डिसाइड कर ली, अपने से एक प्रॉमिस किया मैंने आज कि मैं ना खुद को खुश रखूंगी, बस मतलब जो सच भी बताना पड़े तो सच भी बता दूंगी, बट खुद को खुश रखूंगी। तो आज एक इंसिडेंट हुआ, चलो जब इतना सब बताने का सोचा ही है तो चलो यहीं से शुरुआत करते हैं। तो आज एक इंसिडेंट हुआ, प्रिशा जिस ट्यूशन में जाती है ना, बता दूं ना बेटा, बता दो। कुछ झूठ तो है नहीं, जो है वो सच है, कोई झूठ नहीं। तो प्रिशा जिस ट्यूशन में जाती है ना, यू वांट टू सिट विद मी? आती हूं, मैं ये चाटी में लगा रही हूं। ओके,
जिस ट्यूशन में जाती है ना, बहुत ही अच्छा ट्यूशन है, बहुत ही रेपुटेटेड ट्यूशन है, और उनकी जो ओनर है वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, एंड शी इज़ वेरी गुड लेडी, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. लेकिन उनके यहाँ पे कुछ टीचर्स जॉब करते हैं जो कि क्लास लेते हैं, जैसे कि प्रिशा की केमिस्ट्री की क्लास होती है, फिजिक्स की होती है और मैथ्स की होती है. शी इज़ इन 12th स्टैंडर्ड, यू नो दैट. सो पीछे कुछ दिनों से क्या हो रहा था कि जब से इसने अपना हेयर कट लिया था ना, तो कुछ लोग बार बार इन अ वे और अदर मजाक बनाने की कोशिश कर रहे थे इसके हेयर कट की. ये बात मैं यहाँ बता रही हूँ, हो सकता है इसके सर भी देखेंगे वीडियो, बट आई डोंट केयर बिकॉज मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलने वाली हूँ. आप लोग भी मुझे सजेशन दीजिएगा क्या ये ठीक है. सो इसके जो सर है ना फिजिक्स वाले, उन्होंने तो इस चीज़ को लेके तो नहीं बोला, लेकिन वो वैसे कुछ मतलब बोलते रहते थे इसको, जिस वजह से थोड़ी सी मेंटल इसको फ़र्क पड़ने लग गया था. तो इसने उनको तो एक दिन बोल दिया था प्यार से कि सर आप मुझे ऐसा मत बोला कीजिए, मतलब पढ़ाई से हट के कुछ और बातें मत कीजिए. मतलब इन द सेंस कुछ गलत बातें नहीं कर रहे थे वो, ऐसे ही किसी भी चीज़ पे कुछ टॉर्चरिंग लाइक कुछ बोलना, यू नो, कमेंट करना. लेकिन इसके जो दूसरे सर हैं ना केमिस्ट्री वाले, उन्होंने कुछ ही दिन पहले इसके बॉडी पे से कमेंट किया था, मतलब जैसे कि शी इज़ बिट चबी, सो उसको लेके कुछ बहुत ही ख़राब सा कमेंट किया था जो कि मैं बताऊंगी नहीं यहाँ पे. तो ये काफ़ी अपसेट हो गई थी, इसने मुझे आके बताया, फिर मैंने थोड़ा सा समझा दिया था. मैंने कहा छोड़ जाने दे, नेक्स्ट टाइम देखेंगे अगर फिर से वो बोले तो, मतलब मजाक की थी उन्होंने. और होता क्या है ना, जब इन चीज़ों को लेके, अपने बॉडी को लेके, अपने हेयर कट को लेके कोई मजाक करता है ना, चाहे वो सर है या कोई भी है, तो इंसान पर्सनली कई बार ले जाता है. और वो चीज़ें कई बार हर एक को नहीं, लेकिन पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, किसी किसी को ये चीज़ें फिर मेंटली इफेक्ट करने लगती हैं. सो इसका इतना प्यारा सा हेयर कट जिसमें इतनी प्यारी लग रही है, तो लॉन्ग हेयर्स. हाँ, तो आज इसके जो केमिस्ट्री वाले सर हैं, उन्होंने इसके हेयर कट पे कुछ कमेंट किया. एक्चुअली आज मैंने थर्ड टाइम किया, इससे पहले दो बार भी कर चुके. क्या बोला था, एग्जैक्ट सेंटेंस बताओ. इससे पहले उन्होंने बोला था कि मुझे ना लाइक बड़े बालों वाली लड़कियां ज्यादा संस्कारी और सुशील लगती है, और मैं उसी दिन ही मैं कुर्ती पहन के गई थी. और मैंने सोचा यार सर मैंने कुर्ती पहन के रखी है, मैंने उनको बोला नहीं, मैंने सोचा कि मैं कुर्ती पहन के, छोटे बड़े बालों से संस्कार का तो कोई लेना देना ही नहीं होता है. एंड आज क्या सेंटेंस बोला था वो बताओ. हाँ, और उसके बाद उन्होंने दो तीन दिन बाद, आज की नहीं बात करी, सेकंड टाइम उन्होंने जो बोला था वो ये बोला था कि तुझे बड़े बाल नहीं पसंद तो टकली हो जाना. तब मैंने उनको ज्यादा कुछ नहीं बोला था, लेकिन मैंने बोल दिया था वापस से कि सर आप क्यों नहीं हो जाते टकले, क्योंकि वो मुझे बार बार मेरे बालों पे से बोल रहे हैं. देखिए अब इस चीज को ऐसे ना लिया जाए कि अपने गुरु को ऐसे बोल दिया, नहीं, गुरु को भी ये रिस्पेक्ट करती हूँ, गुरु को भी ये पता होना चाहिए, क्योंकि ऑल्दो वही सर मुझे मिलके इसकी तारीफें करते हैं कि ये 10 out of 10 लाती है, 50 out of 50 मार्क्स लाती है, फुल मार्क्स लाती है, शी इज द ओनली वन स्टूडेंट ट्यूशन में फुल मार्क्स लाता है. सो वो बात नहीं है, लेकिन देखिए ये भी 12th में है, छोटी नहीं है, 18 इयर्स की होने वाली है. फिर कोई अगर इसके हेयर कट पे कमेंट करेगा, आज एग्जैक्टली उन्होंने क्या किया वो बताओ. तो लाइक आज वो ना क्या हुआ, मैंने उनसे क्वेश्चन, उन्होंने एक चीज बताई हमें पोर्शन रिलेटेड. मैंने कहा सर ये आपने कब करवाया, तो सर ने बोला अभी तो करवाया था. फिर वो ना सर ने वर्ड डिफरेंट यूज किया, तो मैं तुरंत कैचअप नहीं कर पाई सर क्या बोल रहे थे. तो मैंने कहा हाँ हाँ करवाया था सर, मैं भूल गई थी. सर ने बोला कि तूने क्या बाल के साथ साथ बुद्धि दिमाग भी कटवा दिया, तो मुझे बुरा लगा, मैंने कुछ नहीं बोला. फिर सर फिर से पूछ रहे थे कि तूने कटवाए क्यों बाल, लेकिन तो वो ऑलरेडी मुझे जब सेकंड टाइम उन्होंने बोला था कि तू गंजी क्यों नहीं हो जाती, तब उन्होंने ये चीज बोली थी मुझे कि तूने क्यों कटवाए थे, तो मैंने बोला था मुझे छोटे बाल पसंद है. फिर से आज पूछा तो मैं कुछ नहीं बोली, तो पीछे से फिर बॉयज ने कमेंट किया और बॉयज हंसने लगे. हाँ, तो ये चीज ना किसी किसी को मेंटली गाइज इफेक्ट करती है, मतलब सबको नहीं करती होगी, बट शी इज बिट टची, उसको थोड़ा सा इफेक्ट कर गया. और ये कुछ दिनों से चुप चुप सी भी थी. आज मैंने जब इससे ज्यादा पूछा तो इसने मुझे बताया कि कुछ दिनों से मेरे हेयर कट को लेकर कमेंट हो रहा है, मेरे बॉडी शेप को लेकर कमेंट हो रहा है. तो हाँ, फिर मैंने, मुझे लगा कि मतलब आप बताइएगा मैंने गलत तो नहीं किया ना. फिर मैंने आज उनको कॉल किया, आज उनको सर को मैंने कॉल किया और उनसे मैंने बहुत ही प्यार से बात की, कि क्लियर आउट कर दिया. क्लियर आउट बोला कि अच्छा आपने मुझे बताया तो मुझे भी पता चलेगा उसको क्या नहीं पसंद. क्योंकि सी नहीं, वो बोले मजाक में थे. हाँ, लेकिन ऐसी मजाक के लिए बॉडी को लेके या पालों को लेके आप ही मुझे कमेंट करके बताना क्या ये ठीक है, मुझे ये ठीक नहीं लगता. लाइक मैं कैसी हूँ पता है, मैं मजाक ले लूंगी, ऐसा नहीं है दैट आई डोंट अंडरस्टैंड मस्ती, बट मस्ती के नाम पे मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन होगा, मैं वैसा नहीं करूंगी. एंड मेन थिंग था, मैं आपको सच्ची बताऊँ, आज मैं रो पड़ी बिकॉज मैं ना कल से परेशान हूँ. मैं कल से पता नहीं क्यों बहुत डाउन जा रही थी. अब वो मम्मी ने मुझे अपलाया, एक पढ़ाई पे मैं बहुत डाउन जा रही थी कि मम्मी मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे कि नहीं, बोर्ड एग्जाम में मैं अच्छा करूँगी कि नहीं. तो मम्मा मुझे समझा रही थी कल, मैं कल भी रोई थी, तो आज ट्यूशन में रो पड़ी.
तो आज फिर से, और ना मेरे ना कुछ दो तीन ट्यूशन मेट्स ऐसे हैं ना लाइक बॉयज, जो मैं सर से पूछ रही हूँ ना तो उन लोग को जवाब देना है, पता नहीं क्यों। वाओ, लुकिंग प्रिटी। देखिए गाइस, मुझे ना इतना है कि हेयर स्टाइल चूज करना ये पर्सन टू पर्सन उनकी विश होती है ना, हर एक की इच्छा पे डिपेंड करता है। मुझे छोटे पसंद है, आपको बड़े पसंद है ना, सबका अलग अलग होता है। फिर उस पे मुझे नहीं लगता कि टीचर्स को इस टाइप से कमेंट करना चाहिए कि बच्चे जो है राउज हो जाएं या उस चीज को मेंटली दिल पे ले जाएं, या जैसे कि पूरी क्लास हंस पड़ी तो उस चीज का उसको मेंटली इफेक्ट होने लगा था, और ये काफी दिनों से चल रहा था, इसने मुझे बताया नहीं था। लेकिन जब आज इसने मुझे बताया, मैंने उनके साथ बहुत प्यार से बात की, उनको मैंने समझाने की कोशिश की कि देखिए आप गलत ना समझें, मुझे आपके लिए कोई ग्रजेस नहीं है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो अभी 18 ईयर्स की होने वाली है, आप इस तरह से मजाक करेंगे और लड़के और पीछे से सब हंसेंगे, और हेयर स्टाइल और बॉडी शेप ऐसी चीजें जो बहुत पर्सनल है, उसमें मुझे नहीं लगता किसी को भी कमेंट करने के कोई भी राइट्स है, मजाक में भी नहीं। तो आप मुझे कमेंट करके बताना क्या मैंने गलत किया। आप अभी से जो भी हमारी जिंदगी में नेगेटिव होगा ना, क्योंकि अभी तक हमने हमारे व्लॉग्स में सिर्फ आपको पॉजिटिव चीजें दिखाई हैं, लेकिन जो हमारे साथ नेगेटिव होते हैं वो नहीं दिखाया, बट अभी हमारे साथ कुछ भी लाइफ में होगा तो मैंने एक चीज सोच ली कि मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि पिछले कुछ 1.5 महीने से मैं काफी स्ट्रेस्ड आउट हूं, और जिसका नतीजा अभी गया है। मैं कल रात भी ठीक से नहीं सोई हूँ, अचानक से मुझे यहाँ पे भारी भारी होने लगता है, जबकि मेरे सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, बट यहाँ भारी होने लगता है, तो उसका रीजन सिर्फ स्ट्रेस बताया गया है। तो मैं जब ये सोच रही थी कि मैं किससे शेयर करूँ, क्योंकि मैं शेयर नहीं करती, यहाँ रखती हूँ, मैं ये पढ़ाई में बिजी होती है, किसी को नहीं बताती मैं अपनी परेशानियां, जिसका असर दिल पे आने लगा था। तो मैंने ना सच में सोचा कि मेरे पास तो मेरी यूट्यूब फैमिली है जो कि लाखों लोग हैं, तो मैं उनसे क्यों अपनी जिंदगी को खुली किताब की तरह ना रखूं, और उनको क्यों ना मैं बताऊं मेरे साथ जो भी होता है नेगेटिव चीजें। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि आपसे मैं बताऊंगी लाइफ में जो भी चीजें मैंने आपसे छुपाई हैं, जो भी कुछ मेरी जिंदगी में हुआ है, मैं धीरे धीरे आपके साथ सब शेयर करूंगी, और धीरे धीरे आप सब शेयर करेंगी मम्मी। और ना ऐसा नहीं है कि पॉजिटिविटी तो आपको मिलेगी लाइक, लेकिन हर एक की जिंदगी में कितना पॉजिटिविटी देना, क्योंकि पता है गाइस अब जब मैं काफी बड़ी हो गई हूँ, मेरे को लाइक मेन है मेरा नेक्स्ट ईयर, मेरे को स्ट्रीम चूज करनी है, और कल मैं इसीलिए मतलब 2-3 दिन पहले हमारे घर पे बात चल रही थी, तो आपको पता है किसी भी थॉट को लेकर ना माइंड में स्टेबलाइजेशन लाना बहुत डिफिकल्ट होता है। लाइक मैं एक चीज आगे करना चाहती हूँ जिसके लिए लोग मुझे बोलते हैं ऐसा नहीं है, वो अच्छी नहीं है, और कितने लोग ने ये भी बोला है कि वो स्ट्रीम काफी अच्छी है, वो बहुत अच्छी है। अलग अलग राय होती है, आप जितने लोगों से पूछोगे लोग तो राय देंगे, लोग मैं नहीं हूं ना, मैं पापा को ये कहती हूँ कि मैं जानती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ, राइट। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि आप कभी भी किसी भी चीज से डिलीवर मत लो, और अब से हम हमारे नेगेटिव साइड भी दिखाएंगे, नेगेटिव साइड नहीं मतलब हमारे साथ जो नेगेटिव चीजें होती हैं, जो टॉक्सिक पीपल होते हैं हमारी लाइफ में, हमारे जिंदगी में, और भी जो भी हमारी जिंदगी से जुड़ी चीजें हैं जहां हमें ऐसा लगेगा कि नहीं हमें आपका सजेशन चाहिए कि हमने सही किया या गलत किया, क्योंकि हमारे पास कोई नहीं है जिसको हम शेयर कर सकें, और सिवाय हम चारों के, और हम अब ये भी नहीं कह सकते क्योंकि ये भी अन्याय होगा, बिकॉज आप लोग बहुत सारे हो और मेरी यूट्यूब फैमिली इतनी बड़ी है, तो मैंने खुद से सोचा कि यार मैं इतना स्ट्रेस्ड क्यों रहती हूँ, मैं खुल के क्यों नहीं बताती, मैं सिर्फ इस डर से कि अगले की बेइज्जती हो जाएगी, उसकी बेइज्जती हो जाएगी, ससुराल वालों की बेइज्जती हो जाएगी, मायके वालों की बेइज्जती हो जाएगी, ये सोच के मैं मतलब कुछ नहीं कहती, और यहाँ रख रख के मैं बीमार होती चली जा रही हूँ। सो बेटर है कि मैं क्यों ना बताऊँ मेरी यूट्यूब फैमिली को, राइट। हाँ, सो ये विचार आपको कैसा लगा? चलिए बहुत लंबी बात हो गई, 10-15 मिनट की बात हो गई। मजा आता है मुझे ना व्लॉगिंग में बात करना, इतना अच्छा लगता है ना, मैं कभी कभार आती हूँ लेकिन अच्छे से बात करती हूँ। दोनों बाप बेटे आगे पढ़ाई कर रहे हैं, आज विवेक को डांट दिया मैंने मैंने उसको पढ़ाते नहीं है अभी को बैठ के, और ट्यूशन में से फिर कंप्लेंट आती है, अभी को प्रिशा के ट्यूशन में डाल दिया हम लोगों ने, क्योंकि इसका ट्यूशन बहुत अच्छा है, बोलती है मैंने ना इसका फोन छुपा दिया, अब इसको फोन नहीं मिलेगा, एक हफ्ता तो देने ही नहीं वाली, मैंने मम्मी को भी नहीं पता लगा रखा है, मैंने छुपा दिया, बस अब किसी को नहीं मिल रहा हूँ। चलिए गुड नाइट, मिलते हैं कल मॉर्निंग में, तब तक के लिए बाय। और कल चाची मम्मी हम लोग को भाखरी बना के देगी गरम गरम, और हम वो खा के जाएंगे, लेके भी जाएंगे, और पता है मम्मी सच्ची बहुत प्यारी है। आपको पता है गाइस एक चीज लास्ट बोलूंगी, लास्ट मुझे ना ये फेस है ना इस पे सॉल्यूशन लिखा दिखता है मुझे, मेरी कोई भी लाइक फिजिकली बातों में जो मुझे कुछ बोलता है कोई, वो तो मैं खुद से सॉल्व कर सकती हूँ, लेकिन जो यहाँ पे अनस्टेबिलिटी होती है, इसका प्रेशर, ये सब मैं मम्मी से बात करती हूँ ना, मम्मी के पास हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, मम्मी उसको ख़त्म कर ही देती है, तो इसलिए मेरी मम्मी बहुत प्यारी है। चलिए गुड नाइट, गुड नाइट मम्मी।